यश चोपड़ा की पहली फिल्म दाग के बनने की कहानी जानते हैं कैसे बनी थी फिल्म दाग। साल 1971 में यश चोपड़ा ने भाई से अलग होकर अपनी प्रोडक्शन कंपनी खोलने का मन बनाया। इसके लिए वो अपनी जिस पहली ही फिल्म के प्रोड्यूसर बने उसका नाम था दाग। इस फिल्म के लिए उन्होंने राखी, शर्मिला टैगोर और राजेश खन्ना को साइन किया। राजेश खन्ना इससे पहले उनके साथ इत्तेफाक में काम कर चुके थे। इस मूवी की कहानी काफ़ी दिलचस्प थी। इस फिल्म में राजेश खन्ना अपनी बीबी शर्मिला टैगोर का रेप करने की कोशिश कर रहे अपनी कंपनी के मालिक के बेटे को मार देते हैं। बाद में जेल की वैन का एक्सीडेंट होने पर उसमें बैठे सारे लोग मर जाते हैं, उसमें राजेश खन्ना भी थे। राजेश खन्ना का बेटा पार रही शर्मिला टैगोर को जब एक रोज़ पता चलता है कि उसका पति ना सिर्फ जिंदा है बल्कि एक अमीर औरत से दूसरी शादी कर चुका है तो हैरान रह जाती है। दरअसल एक्सीडेंट से बचने के बाद राजेश खन्ना राकेश से मिलते हैं जिसको उसके बॉयफ्रेंड ने प्रेग्नेंट करने के बाद अपनाने से इनकार कर दिया था। राजेश खन्ना उसको अपना नाम देकर शादी कर लेते हैं। क्लाइमेक्स में पता चलता है कि राजेश खन्ना कत्ल और दो बीवियों के इल्जाम से कैसे निपटते हैं। इसके लिए फिल्म देखना ही दिलचस्प होगा। इस फिल्म को बनाने और बी आर चोपड़ा से अलग होने की बात जब यश चोपड़ा ने अपनी माँ को बताने करने गए तो वो बोली, बेटे जो तेरा दिल करे वो करो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, मैं तुम्हारे आँखों में देख रही हूँ, तुम कर लोगे। दिलचस्प बात तो यह है कि जब वो शर्मिला टैगोर, राखी, राजेश खन्ना के पास गए उन्होंने कहा, मैं अपने भूते फिल्म बना रहा हूँ, क्या आप मेरा साथ देंगे? तो उन्होंने कहा वे उनके साथ है, उनकी कंपनी का जो भी बजट होगा वे उतनी फीस में संतोष कर लेंगे। राखी तो उन्हें देने के लिए रुपये ले आई, बोली तुम फिल्म बनाने जा रहे हो, जरूरत पड़ेगी तो ले लो, ये बिजनेस की बात नहीं है, तुम्हारे पास जब हो दे देना।